हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि हम लिब्रा कैल्क में किस प्रकार से कई सारे फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले हम एडिशन करना सीखेंगे। लिब्रा कैल्क को ओपन कर लेना है, तो यहां पे देख सकते हैं ये कैल्क स्प्रेडशीट आ रही है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लिब्रा कैल्क का ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखिए ये कॉलम्स है और ये रोज है, 1 2 3 रोज है और यहाँ एबीसीडी कॉलम्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर एक ही शीट डिस्प्ले हो रही है। आप एक्सेल की बात करें तो यहाँ 3 शीट्स डिस्प्ले होती थी, यहां पर हमें अब टाइटल लिखना है। तो चलिए सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं। तो टाइटल हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखता हूं मैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने स्टूडेंट नेम। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ऐसे करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट 1 2 को सेलेक्ट किया हमने। और आप जानते हैं इनेबल फिल हैंडल की क्वालिटी एक्सेल में होती है, तो इसी तरह का सॉफ्टवेयर है लिब्रा ऑफिस, लिब्रा कैल्क, तो इसमें भी मौजूद है ये फैसिलिटी। हम दो एक जैसे चीजों को सीक्वेंस को लेकर के जब ड्रैग करते हैं तो ये चीजें यहां पे आ जाती हैं। अब यहां पे हम ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, तो लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स। फिर यहां मिनिमम, फिर यहां मैक्सिमम, फिर यहां एवरेज, फिर यहां पर परसेंट, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखते हैं, तो देखिए कॉलम छोटा पड़ गया। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरह का एक एरो, डबल हैंडेड एरो बनेगा, आप इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा और ये अपने आप रिसाइज हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी लिब्रा कैल्क में है। यहाँ पर भी डबल एक बार डबल क्लिक कर दीजिए तो ये अपने आप रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी साइज कितनी होती है, देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी जो साइज होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको शीट अगर अलग से लेनी है तो यहाँ शीट प्लस जो बना हुआ है बटन, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे शीट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगी साइज, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट साइज होती है वो क्या होती है, 0.90 होती है, विथ होती है, ठीक है। और जो हाइट होती है वो क्या होती है, तो हाइट जो होती है वो होती है 0.19, ठीक है। एक्सेल में कुछ और होती है, यहां पर कुछ और होती है, दोनों अलग अलग है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना जो काम हमने स्टार्ट किया था उसको हम शुरू करते हैं यहां से। तो यहां पे हमें कुछ नेम्स लिखने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ड्रॉप डाउन बनाना तो यहाँ डेटा टेबल में आकर के ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए डेटा प्रोवाइडर ऑप्शन है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं आप। फिलहाल हमें ड्रॉप डाउन नहीं बनाना, तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं। पहला नाम लिखा हमने अंबिका राजेश मोहन, ये कुछ नाम हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पर रैंड और रैंड बिटवीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए रैंड फॉर्मूला क्या काम करता है वो भी मैं बता देता हूं, उसके बाद हम रैंड बिटवीन देखेंगे। तो देखिए जैसे एक्सेल में यहां पर रैंड फॉर्मूला हमने लगाया, इंटर प्रेस करेंगे तो यहां एक से कम वाले दशमलव वाले कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो रैंडमली ये आते जाएंगे। देखिए यहां पर ड्रैग करवाता हूं, एक से कम वाले पॉइंट के जितने नंबर हैं वो सब अलग अलग होंगे, यहां पर देखिए सब अलग अलग है, तो इस तरह के एक नंबर आ जाएंगे अगर रैंड फॉर्मूला आप लगाते हैं। तो फिलहाल हमें रैंड फॉर्मूला नहीं लगाना, इसको मैं हटाता हूं। अब यहां पर हमें क्या करना है, रैंड बिटवीन लगाना है, तो यहां लिखता हूं रैंड बिटवीन, ओके। यहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे कह रहा है बॉटम, बॉटम यानी सबसे छोटा वाला, सबसे कम वाला नंबर जो है यहां पे दे दूंगा, सबसे ज्यादा वाला उसके बगल में कॉमा देकर के दे दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां एक नंबर आ जाएगा इन दोनों के बीच का। अब इसको यहां से ड्रैग करवा सकते हैं हम और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करवा देंगे, तो ये ड्रैग करवा दिया हमने, यहां पे नंबर आ गए। लेकिन ये नंबर जो है रैंडम है तो ये बार बार चेंज होते रहेंगे, तो इससे अच्छा है हम इसको सेलेक्ट कर लें और कॉपी कर लें और फिर यहां पेस्ट स्पेशल पे जाके और इसको बना दिया जाए। इसको यहां से देखिए हम नंबर बना देंगे डायरेक्टली, ठीक है, यस कर दिया हमने। अब इसको हम बाहर क्लिक करेंगे तो यह चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसे नंबर बना दिया है, इसके पहले हमने फॉर्मूला लगाया था रैंड बिटवीन का, तो इस वजह से ये चेंज हो रहा था। अब इसमें हमें सबसे पहले एडिशन कराना सीखना है, तो इज इक्वल टू से कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा, आप प्लस का निशान भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां लिखा हमने सम एस यू एम, ठीक है। और यहां से ड्रैग करवाते हुए
आ जाएंगे यहां तक, ठीक है आ गए। अब इसको क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल होके आ गया, यानी ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट कर लिया हमने। डबल क्लिक करेंगे तो इन सब का आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, यहां मिनिमम मार्क्स लगाना है। तो एम आई एन मेन का फॉर्मूला लगाइए और यहां पे मिनिमम मार्क्स भी कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो लिखता हूं एम आई एन मेन और यहां स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूं इज इक्वल टू एम आई एन, यहां स्मॉल ब्रैकेट लगाया हमने। और अब हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करवाना है, तो आइए ड्रैग करवाते हैं। ये हमने ड्रैग करवा लिया, ओके इसको क्लोज किया, एंटर प्रेस किया तो यहां पे मिनिमम मार्क्स आ गए। यानी कि ये अंबिका के जो मार्क्स हैं इन सब में मिनिमम मार्क्स कौन सा है, तो 15 मार्क्स मिनिमम मार्क्स है, ओके। डबल क्लिक किया तो सबके आ जाएंगे। इसके बाद फिर मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे, तो हम इज इक्वल टू मैक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको टैब नहीं दबाना है, टैब यहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको पकड़ा हमने और यहां तक इसको ड्रैग करवा दिया और इसको क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाएंगे। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये यहां पर सब डिस्प्ले हो गए मार्क्स। अब यहां पे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एक डिफरेंट टाइप से हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, यहां एफएक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसे कि आप एक्सेल पे लगाते थे, तो यहां पर रखता हूं मैं और यहां से एफएक्स इज इक्वल, यहां पर देखिए यहां पर क्लिक किया हमने और यहां पर सर्च करेंगे एवरेज ए बी ई आर ए जी ई, तो ये एवरेज सर्च किया हमने और यहां देखिए एवरेज आ रहा है। तो यहां पर डबल क्लिक कर देंगे, ये एवरेज वाला फॉर्मूला डिस्प्ले हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ड्रैग करेंगे, तो पहले हम इसको इधर कर लेते हैं ताकि हम ड्रैग कर सके, सब्जेक्ट वन से लेके सब्जेक्ट फाइव तक हमें ड्रैग करवाना है, ड्रैग करवा लिया हमने। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए एवरेज वन से फाइव तक ही ड्रैग करना है हमें, ये हो गया वन टू फाइव, ओके। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऊपर लाता हूं मैं तो, और यहां से एफएक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर वो नंबर सब्जेक्ट के सारे ले लेने हैं, तो यहां से हम वो नंबर ले सकते हैं, जैसे ये बी टू है, ठीक है। बी टू से लेके हमें कहां तक करना है, एफ टू तक, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे बी टू टू एफ टू, ओके। यहां पहले एवरेज का फॉर्मूला सर्च करेंगे, यहां सर्च करते हैं ए बी ई आर ए जी ई, तो यहां पे देखिए एवरेज का फॉर्मूला आ गया, डबल क्लिक करेंगे एवरेज का फॉर्मूला आ गया। अब कहां से करना है, बी टू से एफ टू तक, ठीक है। तो यहां लिखता हूं बी टू कोलन एफ टू, ओके, और यहां पर ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा एवरेज भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहां देखिए एवरेज कैलकुलेट होकर आ चुका है, डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। इसके बाद फिर यहां पर परसेंट निकालना है हमें, तो इज इक्वल टू, अब इस बार इज इक्वल टू लगा लेते हैं। परसेंट का कोई फॉर्मूला होता है, सेलेक्ट करना है ऑप्टेन मार्क्स को, पहले वाले ऑप्टेन मार्क्स को आप सेलेक्ट कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, और पांच सब्जेक्ट है यानी एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो पांच सब्जेक्ट 500 मार्क्स के, तो इसको 500 से डिवाइड कर दीजिए और ये परसेंट भी आ जाएगा, एवरेज और परसेंट सेम आना चाहिए, ओके।